नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बिजली समस्या को चलते ग्रामीण बैठे धरने पर, बनगांव और आसपास की ढाणियों में बिजली सप्लाई को लेकर के कर रहे हैं प्रदर्शन। ढाणियों को पेड ट्रांसफर से जोड़ने व सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति किए जाने की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों ने बिजली निगम के अधिकारियों पर भी बदतमीजी करने का आरोप लगाया। पल पल फतेहवा से राजेश भाबू की विशेष रिपोर्ट। गांव बनवार व आसपास के दर्जनों ढाणियों में बिजली सप्लाई की समस्या को लेकर के ग्रामीण आज निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति किए जाने के साथ साथ निगम के आला अधिकारियों पर ग्रामीणों के साथ बदतमीजी के भी आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत बनगांव की ओर से 2 एकड़ जमीन निगम को फीडर बनाने के लिए दी गई थी। बदले में निगम ने यह वादा किया था कि उनके गाँव की ओर ढाणियों में फीड ट्रांसफर और ट्रांसफार्मर से जोड़ करके निर्माण निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जाएगी, मगर निगम ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, जिसके लिए ग्रामीणों ने मांग की है कि उनके गांव और ढाणियों में पेड ट्रांसफर से जोड़ा जाए और वादे के अनुरूप उन्हें बिजली आपूर्ति भी दी जाए। उन्होंने कहा कि पूरे दिन में मात्र कुछ घंटे ही लाइट छोड़ी जाती है, इससे भारी नुकसान होता है और खेती भी प्रभावित हो रही है। आप देखें पर्पल की विशेष रिपोर्ट। किस लिए बैठे हैं, क्या समस्याएं आ रही है अपने को, क्या सारा बताइए जरा। समस्या ये है, जब हमारी ग्राम पंचायत ने 2 एकड़ जमीन बिजली विभाग को दी थी, उस वक्त बिजली विभाग ने हमसे वादा किया था कि आपको पूरे गांव में 24 घंटे लाइट और पट ट्रांसमीटर के जरिए पूरे गांव की ढाणियों को लाइट दी जाएगी। और उस जमीन जब 2 एकड़ जमीन दी गई थी जिसमें एक परिवार का पेट पालन हो सकता था, लेकिन हमें गांव की सुविधा को देखते हुए जमीन दी, लेकिन हमें पहले जो यहां बोडिया से लाइट जाती थी वही दिक्कत, वैसी दिक्कत पैदा हो रही है। तो इसलिए हम 19/7/2019 से घूम रहे हैं कि पेड ट्रांसमीटर के जरिए जो टू फेस लाइट ढाणियों में दी जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है 1 साल से। आपने किसको शिकायत करी है जी? हमने एसी साहब को शिकायत करी, एसी साहब ने एसडीओ साहब को मारक कर दी। उसके बाद फिर यह पेट ट्रांसमीटर गया, लेकिन पहले बनगांव की लाइट लिए लगा था, इसके बाद बग्गू मोरी बिगड़ फीडर और तैयार कर दिया। एसी बिगड़ साइड के होने के बावजूद वो फीडर उस तरफ लगा दिया गया, इसलिए बग्गू मोरी की तरफ लगा दिया गया, बनगांव को कोई सुविधा नहीं दी गई। हमारी मांग है जब तक ये फीडर नहीं लगाया जाएगा पेट ट्रांसमीटर, ये धरना जारी रहेगा। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम विजेंद्र, गांव बनगांव। क्या मांग है? मामला है जी, गांव बनगांव की पंचायत ने बिजली विभाग को 2 एकड़ जमीन फ्री में दी थी। उस समय बिजली विभाग ने यही वादा किया था गांव से कि गांव की ढाणियों को और गांव बनगांव को 24 घंटा लाइट उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन आज जो सिस्टम बिजली विभाग ने बनाया हुआ है उसके तहत गांव बनगांव को छोड़कर अन्य सभी गांव को 12 पर टू फेस लाइट पैट के जरिए दी जा रही है, लेकिन गांव बनगांव के साथ जाती की जा रही है। इसके लिए इसीलिए हम आज धरने पे बैठे हैं ताकि प्रशासन को पता चले भी गांव बनगांव की एकता आज भी कायम है। किसान एकता सदा एक जिंदाबाद रही थी और रहेगी। जब तक प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं करता हम यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। जब तक हमारी लाइन पर पैट ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। उसके लिए तो हमें 1 महीने का टाइम लगे, 2 महीने का लगे, 4 महीने का टाइम लगे या 6 महीने का लगे, लेकिन हमें 19/7/2019 को एसी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, उसमें उसी समय एसी साहब ने एसी साहब को मार्क किया था और बोला था कि आपका काम जल्द हो जाएगा, लेकिन 19/7/2019 से आज 1 साल लगातार एसी ऑफिस के चक्कर लगाते हो गए हमें, आज तक हमारी और कोई भी ध्यान नहीं किया गया है। लेकिन शुक्रवार को हम 24 तारीख को एसी साहब से मिले, तब उन्होंने कहा कि आपका काम 2 महीने भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, हो भी ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने आपकी ज़मीन ले ली तो आप हम पर दबाव डालेंगे और हमें ऑफिस में आने पर बदतमीजी से पेश आते हैं हमारे सारे।
कभी कहते हैं ऑफिस से बाहर निकलो, कभी कहते हैं क्या अपने घर का बिजली करा क्या तुमने वहाँ पे जमीन दे दी। तो किसने बदतमीजी की थी? ऐसी साहब जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं फतेह ऐसी साहब ने हमारे साथ बहुत नाम बताना चल जो भी है नाम तो अनुपम नाम ध्यान नहीं आ रहा ठीक है। इससे पहले हमारे ऐसी साहब थे वो जो बिगड़ से थे उन्होंने अपने एरिया में पैट का ट्रांसफार्मर लगवा दिया, लेकिन वो पैट का ट्रांसफार्मर जो आया था वो सिर्फ जीवन माता फीडर के लिए आया था, लेकिन उसके अफसरशाही की वजह से वो बग्गू मोरी फीडर पर लगाया गया, बनगांव के साथ जाति की गई। तो आप यहाँ धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? जब हम बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक हमारा पैट का ट्रांसफार्मर नहीं लगता तब तक तो उसके लिए हमें 6 महीने साल या 2 साल भी लगे हम यहीं पर बैठे रहेंगे। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम कर्ण सिंह मोंडा, गाँव बनगांव से हूँ।